गाइस वेलकम टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। आज एक इंटरेस्टिंग सब लोग बनने जा रहा है। मेरी उबर आ चुकी है, मेरे को बस 2 मिनट का टाइम दो, मैं उबर के अंदर बैठ जाऊँ, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। बने रहिए मेरे साथ और आज का लोग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चुके हैं अभी डेस्टिनेशन पे, डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुँचे, वॉक कर रहे हैं। अभी पता नहीं चल रहा था कि कौन सा एड्रेस है, क्योंकि कल जो भाई ने एड्रेस भेजा था वैसे उससे मैच नहीं हो रहा था ये वाला एड्रेस। और अभी उबर ने लाइक उसे प्यास ही उतारा है हमारे, अभी थोड़ा सा ही आ गया, बस जाके आपको दिखाते हैं एक चीज़ जहाँ पे हम जा रहे हैं। और गाइस कभी भी उबर ना करवाना है आपने, कहीं पास के लिए करवा लेना, अगर आप 5-6 मिनट का रास्ता दूर है बस वहाँ तक करवा लेना। जैसे ज़्यादा चार्ज करती है यहाँ की उबर, आपको चूस जाएगी, सारे पैसे पी जाएगी आपके। और दूसरी बात बताता हूँ आपको, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ टैटू स्टोर को, ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं अगर आप कोई टैटू बनवाते हो। आप मेरे YouTube चैनल के अंदर देख ही सकते हैं, मैंने जो उनसे वीडियोस बनाई हैं टैटूज के ऊपर, वो सारी न्यूजीलैंड की थी। न्यूजीलैंड के अंदर टैटू काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं बट यहाँ पे बहुत महंगे हैं टैटू। तो अभी जाके देखते हैं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है सिडनी के अंदर, तो देखते हैं कि टैटू वगैरह क्या प्राइस है क्या नहीं। और अगर मेरे को सही लगा तो मैं बनवा लूँगा, जो मेरे दिमाग में है बनवाने के लिए। तो अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे, मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। अभी आ चुके हैं एक पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे देखते हैं यार कुछ खाने को लेते हैं। बाबा कहता है कि टैटू बाद में बनाता रहिए, पहले मुझे खाने को दिलवा दे। इसको हम बेचारे को सोया उठा उठा के लेके आ गया ऐसे ही। क्या खाएगा बाबे? अरे देखते हैं ना कुछ यार। क्या कॉफ़ी वॉफी पी ले? अरे मार्ट में कॉफ़ी कौन पीता रहे सुबह। अच्छा भाई अपना ये क्या है नीचे आपके ड्रम के अंदर? आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ सिडनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कि आप अगर कहीं भी कुछ बाय करने के लिए जा रहे हो ना, पेट्रोल पंप पे या फिर कहीं भी, तो अगर आप कुछ भी चीज़ लेते हो ना तो उसके अंदर क्या है बोलते हैं कि आप अगर कार्ड पे पेमेंट करोगे ना तो आपको 50 सेंट्स या फिर $1 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अभी हमने 2 रेडबुल लिए जैसे आप देख ही सकते हैं। अब हमें इसके अंदर ना क्या कहते हैं, पहले हमने एक ली तो उसके अंदर वो कहती कि आपको $4 की पड़ेगी। मैंने कहा क्यों? कहते हैं आप अगर कैश दोगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, अगर आप कार्ड में दोगे तो आपको महंगी पड़ेगी। तो फिर मैंने 2 ली इस चक्कर में कि भाई चल कोई नहीं यार कार्ड से पे कर देंगे, कि मेरे पास कैश नहीं था। तो ये आप ध्यान रखें, अगर आपको पैसे बचाने तो कैश लेके चले अपने साथ। बैठ चुके हैं अभी टैटू बनवाने के लिए, जैसे कि आपको बताया था कि मैं टैटू बनवाने के लिए जा रहा हूँ। और टैटू मैंने बस डिज़ाइन बताया था कि मैंने कैसे कैसे इमेजिनेशन अपनी बताई थी कि कैसे कैसे बनाना है, लेकिन पाजी ने बहुत बड़े सजेस्ट करा मेरे को और पूरा डिज़ाइन करके दिखाया। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है, और पाजी भी साथ ही बैठे हुए हैं, और आपको दिखाते हैं टैटू कैसा है इस टाइम। सो गाइस ये भी टैटू बना रहे हैं जैसे मैंने सजेस्ट करा ही था, और अजय पाजी देखो बैठे हुए हैं अजय। तो अभी जो है आपको जब स्टार्ट होगा टैटू तब भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा कि कैसे, जैसे कि आप देख चुके हैं कि मेरी पुरानी वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि इतने सारे टैटू मैंने बनवाए हैं न्यूजीलैंड से, बट ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो अब देखते हैं कि कैसा बनता है कैसा नहीं, और मैं आपको पाजी की ईमेल सेंड जीमेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा। अगर किसी ने भी टैटू बनवाना हो तो प्लीज़ यहाँ पे आएँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब से मैंने इमेजिनेशन बताई थी उसी हिसाब से टैटू बना है, और मेरे को बहुत पसंद आया है जैसे कि पेपर के ऊपर बन रहा है अभी। बाकी देखते हैं टैटू बनने के बाद अपनी बॉडी में। ये प्लेन ना वर्थ इट होनी चाहिए पहले बार होएगी, ये प्लेन अगर वर्थ इट होएगी तो ऐसे ऐसे वो टैटू बनाता रहूँगा, मेरे भी बनाएंगे। डन है वो वाला, वो पाशा भाई वही बनेगा भाई, उसके साथ ना जब चेन आएगी ना यहाँ पे पॉसमो बनेंगे। क्या बात है सर, ये बात है। टैटू बन चुका है, अभी दूसरा टैटू बनवाने के लिए जा रहे हैं, और ये हो रहा है टैटू का स्टार्ट दूसरे वाले का। फर्स्ट वाले में इतना दर्द तो नहीं हुआ, जैसे थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही है, बिल्कुल माइनर सा मेरे को। और अभी कर रहे हैं स्टार्ट दूसरे वाला, और आपको दिखाते हैं कि दूसरा कैसा बना है। जो फर्स्ट वाला टैटू बना है अभी वो बहुत प्यारा टैटू बना है, और बाकी मैं आपको सब कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दूंगा और आपको जगह भी बताऊँगा
अगर भाजी अलाउ कर दें सानू तो मैं सबको बोलूँगा कि यार यहाँ पे जरूर आना, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आया, टैटू बहुत प्यारा बना है। चुके हैं टैटू कंप्लीट दोनों के दोनों। मेरी आवाज़ इसलिए कम लग रही है थोड़ी सी क्योंकि पेन हो रही थी, और अभी जैसे आप देख सकते हैं ये वाला हो चुका है और ये वाला भी डन हो चुका है टैटू। बाकी मतलब इतनी पेन नहीं हुई मेरे को, हाथ बिल्कुल हल्का था और टैटू की क्लैरिटी बहुत प्यारी है, मेरे को बहुत पसंद आया टैटू। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लाइक अच्छा लगा मेरे को। और अभी करवाते हैं टैटू को कवर अप और उसके बाद चलते हैं बाहर और आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। जैसे आप देख सकते हैं बन चुके हैं दोनों टैटू और इसके ऊपर ये फर्स्ट टाइम देखा मैंने, वैसे तो रैप करते हैं लाइक सिंपल है ना, नया एक्सपीरियंस है तो कुछ नया चाहिए। और अभी करते हैं बंद थोड़ी देर के लिए ब्लॉग को और चलते हैं बाहर। बाकी भाई से करवाया था हमने टैटू, और अगर किसी को भी सिडनी के अंदर टैटू करवाना हो तो मैं आपको जीमेल या फिर कोई भी ईमेल वगैरह कॉन्टैक्ट दे दूंगा, और आप डायरेक्ट इनको ईमेल करें और यहाँ पे आएँ टैटू बनवाएं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और बाकी प्राइस भी बहुत रीजनेबल है और जरूर आना यहाँ पे, क्योंकि मेरे को लाइक टैटू बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने न्यूजीलैंड के अंदर जितने भी टैटू बनवाया मेरे को बहुत लाइक इतनी दर्द वगैरह नहीं हुई, और सेम टू सेम यहाँ पे था मेरे को दर्द नहीं हुई। बाकी आपका नाम बता दो भाई, मेरा एचपी। तो चलते हैं बाहर और आपको बताते हैं कि क्या क्या कैसा कैसा फील हुआ और आगे का बताते हैं। आ चुके हैं टैटू बनवा के बाहर, बाबा के साथ खड़े हुए हैं, उबर ऑर्डर कर चुके हैं और उबर आने वाली है एक मिनट के अंदर अंदर। बाबा कैसा लगा फिर यार टैटू? बढ़िया लगा टैटू। बाबा इस टाइम वीडियो को इसलिए अवॉइड कर रहा है क्योंकि भाई ये अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है? अगर इस बंदे को सिटी तक भी जाना होगा ना तो ये कटिंग करवा के जाएगा, आपको पता है कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और मेरे को दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि लाइक मेरे को सिडनी के अंदर टैटू काफ़ी ज़्यादा ना महंगे लगते थे, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला था कि काफ़ी महंगे होते हैं, बट लाइक इस टैटू वाले को मिलने के बाद मेरे को पता चला कि यार टैटू सही है, मेरे को बंदा सही मिल गया और अब सारे टैटू बनेंगे इन्हीं सही, ठीक है? और $200 का मेरा टैटू बना है। अगर किसी को भी आना होगा तो प्लीज़ यहाँ पर आना टैटू बनवाने के लिए, मे बी यही होगी घर पर। और अभी करेंगे रेस्ट थोड़ा सा, क्योंकि मैं रात को लाइक सोया था बट इतना नहीं सोया था, और अभी कुछ खाते हैं क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रही है टैटू बनवाने के बाद, थोड़ी बहुत मेरे सर के अंदर दर्द होती ही होती है, तो थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। मे बी आज मैं जिम जाऊँ और मे बी नहीं, तो देखते हैं क्या बनता है प्लान और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे जल्द दोबारा और किसी नए व्लॉग किसी नए कंटेंट के साथ। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये करना मत भूलना, क्योंकि यार आपसे ही हम हैं। और जल्दी से मिलेंगे दोबारा, बाय बाय।